अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं एक रेसिपी के साथ आई, न्यू रेसिपी। यानी कि हर कोई इस रेसिपी को खाने से कतराता है, यानी कि भागता है। करेले की सब्जी, करेले की सब्जी आज हम इस तरह से बनाएंगे कि हर कोई इसको खाना चाहेगा और बच्चे भी खा लेंगे इसको। इस तरह से आप बनाइए। तो करेले की सब्जी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं त्री करेला ली हूँ, तो इसको मैं बारीक कट कर लूँगी। बारीक कट करने से पता चला कि ये थोड़ा से अंदर से पका हुआ है इस तरह। तो कोई बात नहीं, करेला पकने से क्या मीठा नहीं बनता, ये करेला ही रहता है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं तेल गरम करने के लिए रखी हूँ, तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ढेर सारी अनियन डाल रही हूँ, यानी कि 4 बिग अनियन कट इस तरह बारीक कट करके डाली हूँ। तो इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब हमारी अनियन फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, थोड़ी सी रेड चिली। रेड चिली डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से पक चुके हैं हमारे मसाले। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर। एक बड़ा टमाटर इस तरह से कट करके मैं डाली हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना तो डाल सकते हैं टमाटर, या नहीं तो नहीं। मैं भी कभी डालती हूँ कभी नहीं, तो ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं टमाटर डाल के इसको अच्छे से पका ली हूँ। तो अब हम डालेंगे मेन इन्ग्रीडियंट्स इसकी, जैगरी। ये देखिए, इतनी सी मैं इतना डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी और थोड़ा जैगरी डालूंगी मैं, जो बचाई थी ना, फिर वो वापस डाल रही हूँ। अगर आपको जैगरी कम लग रहा है, ये देखिए, तो आप उसमें थोड़ी सी और जैगरी मिक्स कीजिए, या नहीं तो आप शुगर भी मिक्स कीजिए। ये देखिए, इसका लुक कितना चेंज हुआ है जैगरी डालने के बाद, तो इस शाइनी टाइप आया है। तो ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनने वाली सब्जी है। प्लीज आप ट्राई करें और बताएं कैसे बनी थी। वो ये अच्छे से पक चुका है, तो और एक मतलब मैं इसे मिक्स करके आप करेला डाल देती हूँ। करेले को मैं इस तरह बारीक कटी कट कर ली थी, तो मैंने करेला डाल दी और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे ये गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे पूरे वीडियो को देखो, स्किप मत करो। और प्लीज़ आपका साथ बनाए रखें। आपके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, और आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर न्यू न्यू रेसिपीज़ आएंगे, न्यू न्यू रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तो फ्रेंड्स, अपना साथ हमेशा साथ रखें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो गाइस, ये हमारा करेला पक रहा है। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं डाली, इसे ढाम कर थोड़ी देर के लिए मैं पका रही हूँ, 5 to 10 मिनट्स। तो यहाँ पर देखिए, करेले की सब्जी अच्छे से बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा आलू पर आया है, तो हमारी सब्जी डन है। तो आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, इतने अच्छा लगेगा ये आपको। और आप कम खाने के लाइक कम नहीं खाएंगे इस दिन, जिस दिन करेले की सब्जी आपके डेली का जितना आप टेक फूड करते हैं ना, उसके थोड़ा ज़्यादा ही खाएंगे। सब्जी के साथ चपाती हो, चावल हो, रोटी हो, आप इसके साथ खा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। यहाँ हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो इजाज़त चाहती हूँ। फिर अगली रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगी। जब तक के लिए मेरे लिए दुआ करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।